हेलो दोस्तों, फिर आज आपका जेके एक और न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम सीखेंगे क्लोज फाइट। यहाँ पर हम बंदे को अटैक भी करेंगे और बंदे के अटैक से बचेंगे भी, और ये क्लोज फाइट होने वाली है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से डिफेंस कर सकते हैं और अटैक कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज मेरे साथ है सरफराज अहमद। तो चलिए देखिए, बंदे जब क्लोज में होता है ना तो वो अटैक करता है, तो वही चीज़ हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, मान लो बंदा आपके सामने खड़ा है और वो एग्रेसिव मोड में आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हम पहले धीरे धीरे सीखेंगे और बाद में फिर उसको हम फास्ट भी देखेंगे किस तरीके से होता है। तो मान लो बंदा अटैक करने की कोशिश करो, अब ये बंदा अटैक करने के लिए हमारे अंग पे आ रहा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक कदम हम भी बढ़ाएंगे और हम आगे जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर हमने अगर हमने यहाँ रोकने की कोशिश करी तो बंदा कोई आपका फ्रेंड तो है नहीं कि वो बिल्कुल ऐसा प्यार से स्लो मोशन में मारेगा, वो मारेगा पूरी ताकत से। तो हम यहाँ रोकने की कोशिश करेंगे ना, तो हो सकता है कि आपका पंच ना रुके और वो पंच आपको लग जाए। तो इसका आपको ध्यान रखना है, आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना है। अब कैसे, अब करो अटैक ये। तो मान लो बंदे का अगर पावर ज़्यादा भी है तो भी ये फाइट हमारे पीछे है, देखिए यहाँ पे, तो ये हाथ ऐसा गोल घूम जाएगा तो ये आपको लगेगा नहीं, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको भी क्लोज जाना है, ठीक है। अब अटैक करो, ये मैं गया, और अब बाद में ये जो हाथ है हम यहाँ पे इस तरीके से अटैक करेंगे, ये सामने वाले के चेस्ट पे अटैक करना है, ठीक है। अब बंदे को मान लो एक अटैक हुआ, उसके बाद में बंदे का जो सेकेंड हाथ है वो भी खाली है, तो बंदा सेकेंड हार्ट से अटैक करेगा। तो हमने ये अटैक किया, अब उधर से अटैक करो, तो हमें यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ, यहाँ पर हमने ये अटैक किया और बंदे ने सेकेंड हार्ट से अटैक किया, सेकेंड हार्ट से करो ये अटैक किया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको रोका है। अब ये जो हाथ है हमारा दोस्तों, यहीं के यहीं हमें इस तरीके से पकड़ लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से पकड़ना है, और ये जो हाथ है हमारा इधर साइड वाला, इसको हम इस तरीके से डाउन डालेंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो हमारा पैर है वो हम निकालेंगे इस तरीके से पीछे, देखिए ये जो हमारा पैर है ये निकालेंगे हम इस तरीके से पीछे। अब बंदे को क्या करना है, हमें पूरी ताकत लेके एकदम से झटका मार देना यूँ, तो बंदा आ जाएगा सीधा ज़मीन पे। अब बंदा ज़मीन पे आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे अटैक, फेस पे बिल्कुल पूरी ताकत से अटैक करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों अब ये समझ लीजिए कि बंदा थोड़ा सा एक्टिव है और थोड़ा सा हैवी बंदा है, आपने गिराने की कोशिश करी और वो नहीं गिरा, क्योंकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि मान लो हमने गिराने की कोशिश करी और बंदा नहीं गिरा तो उस कंडीशन में क्या। तो देखिए उस कंडीशन में हम सेकंड टेक्निक यूज़ करने वाले हैं। अब उसमें क्या होगा देखिए, ठीक है, अटैक करो उधर से, ये हम अटैक करें, हमने क्लोज जाके बंदे को ये पहला अटैक किया, अब उधर से अटैक करो, ये हमने खुद को रोका और यहाँ पर पकड़ा। उसके बाद में मान लो हमारा जो पैर है वो बंदे ने डालने नहीं दिया हमको नीचे साइड में, ये जो हमारा पैर है वो इधर डालने नहीं दिया है और बंदा थोड़ा सा स्पीड मूवमेंट कर रहा है, और हमने इधर गिराने की कोशिश करी लेकिन ये बंदा नहीं गिरा, ठीक है, बंदा नहीं गिरा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये हाथ आपके हाथ में तो है ही, आपको क्या करना है, ये पैर उठाना है इस तरीके से और यहाँ पर बंदे को फसलियों में अटैक करना है, ठीक है, और पूरी ताकत से अटैक करना है। अब ये जो है इंसान का नाजुक पॉइंट होता है, वीक पॉइंट होता है, यहाँ पर होती है हमारी फसलियाँ। अगर आप यहाँ अटैक करोगे तो बंदा कितना भी हैवी हो बंदा सीधा ज़मीन पर आएगा, ठीक है। एक बार और अगेन बता रहा हूँ, देखिए इधर से अटैक करो, ये मैं आगे बढ़ा, इधर से अटैक करो, ये गया, यहाँ पर मैंने पैर डालने की कोशिश करी नहीं गया, यहाँ पर हमने गिराने की कोशिश करी बंदा नहीं गिरा और ये मैंने अटैक कर दिया, ठीक है, तो बंदा सीधा ज़मीन के ऊपर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हम स्पीड में देखेंगे कि किस तरीके से होता है, टेक्निक वन और टेक्निक टू दोनों चीज़ें हम स्पीड में देखने वाले, आ जाओ इधर से, ठीक है। तो दोनों चीज़ें दोस्तों हम स्पीड में देखने वाले हैं। अब तो आई होप दोस्तों आपके दोनों टेक्निक प्रॉपर समझ में आई होगी, और अगर इसमें कुछ भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है तो कमेंट करिए, 100% हम उसका जवाब भी देंगे। और अगर उस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक पर हम वीडियो भी बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।